जूनियर एनटीआर की आरआर के बाद देवरा मूवी आई है जिसका लोगों में बहुत ज्यादा हाइप था। इवन मैं भी इस मूवी के लिए बहुत समय से वेट कर रहा था, बट क्या ये हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, आइए बात करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक फ्लैशबैक से जहां में बताया जाता है कि देवरा कौन था, वो क्या करता था और उस समुद्र को लाल समुद्र क्यों कहते थे। ये सब चीजें उस मूवी में दिखाई जाएगी। अब मूवी की स्टोरी को और ज्यादा रिवील नहीं कर सकता, मतलब रिवील ही नहीं किया हूँ कुछ भी, क्योंकि इसकी स्टोरी उस खुली किताब की तरह है जिसका एक भी पन्ना रिवील किया तो पूरी किताब रिवील हो जाएगी। मतलब इसकी स्टोरी में ज्यादा कुछ सस्पेंस नहीं है। मूवी जब स्टार्ट होती है तो प्रकाश राज जी का कैरेक्टर देवरा के बारे में जिस तरह से बताते हैं वो एकदम सेम एक मूवी की याद दिलाता है जिसमें वो इसी तरह से कैरेक्टर के बारे में बता रहे होते हैं। और जब वो स्टोरी सुना रहे होते हैं तो हीरो के लिए जो हाइप बिल्डअप की जाती है कि वो समुद्र को चीर कर आएगा, मतलब ये सब चीजें भाई थोड़ी वियर्ड लगती है क्योंकि वो कागज नहीं समुद्र है। और एक जगह ऐसा होता भी है जिसमें वो समुद्र को चीर कर उड़ कर आता है उसके ऊपर से। तब मैंने सोचा कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और इसमें बहुत से लॉजिकल सीन है जिसे देखकर लगता है कि भाई बस कर यार। जैसे एक जगह जूनियर एनटीआर लोडेड दो कंटेनर्स को एक साथ खाई में फेंक देते हैं, और वो घोड़े वाला सीन जब जूनियर एनटीआर शार्क को एक घोड़े की तरह यूज करते हैं। इवन जितनी बार जूनियर एनटीआर ने मूवी को बचाने की कोशिश की है उतनी ही बार वीएफएक्स और स्टोरी ने मूवी को गिराने की कोशिश की है। बट जो भी बोलो, मूवी में वो समुद्र में आग लगने वाला सीन ही सुपर था, वही था मूवी का बेस्ट पार्ट। बाकी एनटीआर सर ने दोनों कैरेक्टरों को एकदम परफेक्ट तरीके से प्ले किया है, वो सीरियसनेस और इनोसेंट बनना। जानवी कपूर जिनका मूवी में ज्यादा रोल तो नहीं है, बस वो टब वाले सीन को छोड़कर, क्योंकि वहीं पास ही मूवी हिट हो जाती है जिस तरह से आधे से ज्यादा लोग चिल्लाकर एक बार और दिखाओ बोलते हैं। बाकी सैफ अली खान की बात करें तो वो देवरा के कॉम्पिटिटर लग रहे थे, बट जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है पता नहीं बट क्यों उनका मूवी में इम्पैक्ट घटते ही जाता है। अब देखते हैं कि वो सेकंड पार्ट में क्या करते हैं क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। ओवरऑल बोलूँ तो मूवी एकदम ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और एकदम ज़्यादा बुरी भी नहीं है, बस ठीक ठाक ही है। बाकी मूवी के बेस्ट पार्ट तो इसके बीजम और कुछ एकाध गाने हैं जिसमें ऑडियंस पागल हो जाती है। तो मेरी तरफ से इस मूवी को 5 में से 2.5 स्टार।